एक राजकुमार की तरह को छोड़ा हो, कह दू एक आधी सी मिनट को चुटक ला दिमाग पे आगो तो, और अपनी माँ को अकेलो ही वैसे हूं बेचारो, वो बेचारी जवानी में बुढ़िया विधवा हैगी, राजकुमार पे जिंदगी निकाल दी बुढ़िया ने, और राजकुमार सीधो 35-36 साल को है वो राजकुमार, पर कहीं ने ब्याह ना करो। एक दिन बुढ़िया एक पड़ोसी के बुढ़े तो बोली, हे वन की हमारे छोरा लपटवा दे। अब हुआ ये, वह बूढ़े ने कही कैसे लपटवाऊं तेरे राजकुमार है, एक ब्याह करवा दे। बूढ़े ने कही पता ब्याह करवा दूंगा, कैसी बहू चाहिए। बुढ़िया बोली देख बहू एकदम टॉप कंचासी। बूढ़े ने कही तेरे छोरा के दांत निकल रहे हैं, या के भी कंचासी बहू। बुढ़िया बोली कोई बात ना, दांत निकल रहे हैं तो का है गे 70 बीघा जमीन आवे करवा दे। जट्टू ऐसो हो वो बूढ़ो बात को धनी निकलो, वाने एक ही महीना में और दादा जट राजकुमार को ब्याह करवा दियो। एक महीना में राजकुमार को ब्याह है गो, और राजकुमार इतनो सीधो निकलो जट एक साल जो ही निकाल दी छोरा की और बहू की, राम राम भी ना हुई। अये जमाने की बहू ही छोरा पे राजकुमार पे तो पेश ना जा। जट एक दिन अपनी बुढ़िया तो बोली, ओ बुढ़िया ए बुढ़र मेरी छाती पे धरी रहे, कोई 10-5 दिन के अपने पीहर के चली जाए कर। झट बुढ़िया समझ गई बात, वन कहिए बेटी मैं तो आज ही चली जाऊंगी, पर एक काम करियो मेरे राजकुमार को ध्यान रखियो। बहु मन मन में यूं बोली तू जा तो सही, 3 ही दिन में पहलवान कर दूंगी जा। झट बुढ़िया चली गई, पीछे थे घर में बहू को राज भगो, और बहू राधा चौधरी जैसी पनीर की सब्जी बनाई, 1 किलो पनीर लाई बढ़िया बार, और घोट दियो पनीर में छोंक मारियो। पड़ोसी भी नुकवा आज तो कोई बढ़िया चीज छोंक रखी है, और भैया जट चून मांड के धर लियो। अब राजकुमार है देखे तो राजकुमार सबरे घर में दिखे ही ना कहीं, वह बूढ़े के दौर बैठक पे हुक्का पीरो जन ब्याह करवायो। अब बहू इशारो करे न्यो झालो देख आजा राजकुमार आजा रोटी खा ले, और राजकुमार बहु माई देख ले और झट मोह फेर ले, हुक्का की घूंट मार ले और मोह फेर ले। दादा चश्मा वारे झट बहु पे ना झिली, और वाने जाकर राजकुमार को झट हाथ पकड़ लियो, वान की चल रोटी खा ले। अब बहु तो आगे के खींचे और राजकुमार पीछे के खींचे, जो करे ना माना डर लगे ना जाऊं जो करे। बहू ने कही घबरावे मत, तो खाऊं ना तो रोटी खवाऊंगी, तेरी सेवा करूंगी, तेरी माँ कह के गई है। झट मांचे पे बैठा दियो जाके, और एक कटोरी पनीर की सब्जी, और बाबूजी ताती ताती रोटी चूल्हे की नीच, एक रोटी तो ही बिना चुपरी, और एक रोटी की पापरी सी फोर के झटवा में इतनो लियोनी घो भर दियो। बहू ने जो भीतर भर दियो, ऊपर ते बिना चुपड़ी रोटी धरके और थारी सरका दी, उनकी ले राजकुमार खा ले तेरी सेवा शुरू। अब राजकुमार इतनो भोलो जो नीचे घो की रोटी वो तो देखी ना, और ऊपर ली बिना चुपड़ी रोटी देख के जट रोमन लगी, और रोबे यू कह रहा लुट गो किल्ली दे। वह बूढ़े ने कही का होया, अरे बल दादा कोई ब्याह मत कर भैया, बा माँ तो माई हो है। उनकी भैया कैसे, अरे दादा जब माँ रोटी खवाए करी, का इतना देसी घ्यो को चूरमा, का इतना देसी घ्यो के लड्डू, का इतना खीर बनावे हलवा बनावे, और आज यह निकम्बी ने पहली बार तो रोटी खवाई है, और बा सूखे टिकट धर दिए लुट गो। अब बहू व बूढ़े थे शर्मा के घूंघट करके जो बोली, ओ नीचे देख लो नीचे नीचे गच्चू चूरमा माल है नीचे लियो नी है, पर वो कहा तो रोवे किल्ली दे। जट बहू ने पकड़ के हाथ और उंगरिया आगे के निकाल के, और वह घो में जा रोटी में घो भर रहा वहां में जो देख मारी जो कह देख ए, माल। अब वहां में जैसे ही उंगरिया गई ना लियोनी घो तो होई, जट्टू ऐसी हैगी जैसे कुल्फी, और राजकुमार इतनो सीधो वा चाटे यू करे चाटे वार हंसे। बूढ़े ने कही राजकुमार अब के कैसे हंस रो है, जब कही राजकुमार ने अरे बल दादा बताने में गलती भेगी, कैसे पर सुन दादा माँ तो माँ हो ही है, पर धर्म ते बहू भी माई हो, जोड़ी होते सेवा करे आज पतो चलिए।